Hook Studio Season 9. अस्सलाम वालेकुम सबको, हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आज ईद का दूसरा दिन है और हमने चांद रात को वीडियो नहीं बनाई, ईद को भी नहीं बनाए क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी थे शॉपिंग में, इसमें उसमें, और दूसरा कमरे की सेटिंग में। तो कमरा अब सेटिंग हो चुका है और अब आप लोग को मैं सामान का फुल लुक दिखाती हूँ। आज हाँ, तो भाई ये कमरे का फुल लुक है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ बनकर, और ये अलमारियाँ हैं हमारी। हाँ ना, लाइट चालू है तो ये अलमारी, इसका फर्स्ट ड्रॉअर दराज है, ये देखना। तो ये पहला है, इसके अंदर मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और ये है सेकंड वाला, और इसके अंदर मेरे कपड़े हैं, ये देख सकते हैं। अलमारी इतनी बड़ी है कि मेरे कपड़े बस सिर्फ दो ही दराज में है। मम्मा को दो अलमारी, दो दराज खाली पड़े हैं तो उसके लिए कपड़े लेने पड़ेंगे। और ये देखे, इसमें आयरन वाले कपड़े वगैरह मैंने रखे, तो यही है। और इसमें मेरा जरूरी सामान है, और ये आयरन वाले कपड़े हैं। तो ये हो गए तीन अलमारियाँ। तो और ये साइड टेबल के दराज, ये देखो, थोड़ा तो नजदीक से बता सकते हो। कितने अच्छे से दिए हुए कि बंदा अलग अलग चीजें रखे। तो ये ऐसे नहीं खोलती हुई, अलमारी के साथ टच हो रहा है वहाँ से खोलते हैं। ज्यादा गर्मी है, और अगर फैन ऑन करते हैं ना, अट जाओ तुम, फैन ऑन करते हैं ना तो फिर। और ये है स्टोरेज वाली सेटी, ये देखें,
वो टाइप मेरा है, ये साइड मेरा है, ये बेड से अलहदा है, इसे चाहे तो हम यहाँ रख लें चाहे तो हम वहाँ रख लें, तो ये बस इसमें है ना बेडशीट वगैरह या जो भी हमें ना कंफर्टेबल लगे हम वो रख सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। तो अब हमारा ड्रेसिंग तो सबसे पहले करेंगे न्यू रूम में, बड़े कमाल की खुशबू है। वैसे चमेली के फूल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आपको दराज खोल के दिखाती हूँ, ये दो दराज है यहाँ सेम टू सेम, और यहाँ पे हमने डस्टबिन रखा हुआ है भाई, इसके अंदर क्या पड़ा। और एक दराज ये, इसके अंदर मैंने अपनी सारी ना मशीनें रखी हुई है, कर्ल्स मशीन, स्ट्रेट मशीन, ब्लू डाई मशीन, सेम टू सेम फुल कुशन वाली चेयर है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये दराज ये भी काफी बड़ा दराज है, दो ही लग रहा है यार, थोड़ा सा ना। और सेम दराज यही पे, और ये लाइटिंग देखे, हाँ ये 5 मिरर है, 1 2 3 4 5 मिरर है अलहदा अलहदा से, और इसमें दो दो है, और ये देखे हर जगह लाइटिंग, ये लाइटिंग है, लाइट है बहुत ज्यादा लाइटिंग। तो ये देखे लाइट बंद करते है ना तो रूम काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लाइट ऑफ करो दूसरी। हाँ ये दोनों करो, दोनों ये देखे लाइट ऑफ करके बंदा रात को मदर लाइट में सो सकता है, ऐसे लगता है उन्होंने फर्नीचर की दुकान में वो रखा है। और भाई लाइट ऑन कर। और ये है मेरी न्यू बेडशीट, ये मैंने न्यू बेडशीट ली है, ये देखे 5 कुशन के साथ न्यू बेडशीट ली है। और ये दराज दिखा दो, ये देखे ये काफी बड़ा दराज है, कितना कुछ सामान आ सकता है इसमें हमारा। और ये और कुछ, और यहाँ पे ये सेम है, इसमें मैंने ना अपने नए जूते वगैरह रखे हैं, ये जूते नए, हाँ नए सैंडल वगैरह हैं, टॉवल वगैरह ये नए हैं जो के ना पहनी हुई चीजें हैं ना वो है। तो भाई आज सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, कल ईद का दिन था, हम पूरा दिन घर में थे क्योंकि ना काम करके ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ना, काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी। तो वैसे ईद के दिन तो सब लोग ही सो के गुजारते हैं, तो आप लोगों ने अपना ईद का दिन कैसे गुजारा मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये कि ज़रूर बताइएगा कि हमारा रूम कैसा लगा आप लोगों को। अभी कुछ काम बाकी है, अब एक कर्टन्स लगाने, पहले यहाँ पे लगे हुए थे उसका पाइप वहाँ था, अब पर हमने सोचा है कि ये खाली दीवार है यहाँ पे पर्दे लगा दूंगी। और ये बेडशीट देखूँ, मुझे ना ब्लैक कलर वैसे ही पसंद है, तो चाह भी ये रही थी कि जो फर्नीचर है ना वो भी ब्लैक कलर का लूँ, मगर ब्लैक कलर में जो के था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके बाद ये भी अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो बस सेटिंग ये रूम छोटे छोटे, अब जैसे सेटिंग पूरी आ चुकी है तो बस अब रख ही दिया, फिर भी थोड़ी बहुत जगह है, और वैसे भी ना हमारा ये रूम कम ही इस्तेमाल होता है क्योंकि ना इस रूम में हमारा वॉशरूम भी नहीं है, और दूसरी बात ये यहाँ पर टीवी भी नहीं है, और जहाँ टीवी होता है ना तो ज़्यादा रश हमेशा वहीं पे लगी होती है, तो पहले मिरर कम थे, अब ना फर्नीचर में हर जगह मिरर ही मिरर, अलमारी में मिरर, ड्रेसिंग में मिरर, और साइड टेबल में मिरर, हर जगह मिरर, जहाँ से देखो ना अपना ही लुक दिखेगा। अभी ऐसा लगता है हम लोग सोचते हैं किस वाले मिरर पे जाएं, उस पे जाएं या उस पे जाएं या उसमें जाएं, ऐसा लगता है हम लोग। तो बात ये है कि अभी सेटिंग नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी, क्योंकि अभी सारे दराज वगैरह खाली हैं। तो एक चीज और, तो बड़ी बड़ी अलमारी के नीचे भी दराज हुए, ये ये देखें सेम टू सेम, ये दोनों कॉर्नर वाली अलमारियां है ना इनके अंदर दराज है, इतने बड़े बड़े दराज है कि अब ना सारे के सारे खाली पड़े हैं। माशाल्लाह से ना सारा सामान अच्छे से मेरा आ गया है। और ये अलमारी भी फुल मिरर में है, तो इसमें भी बच्चों के न्यू कपड़े, ये देख सकते फुल मिरर है। और ये जो दिख रही है ना ये वो पट्टी नहीं है, ये भी फुल मिरर है। आजकल जो दूसरा फर्नीचर आ रहा है ना जिसे तुर्किश नाम दिया जा रहा है, बना हुआ हमारा पाकिस्तानी फर्नीचर है, उसमें वो लगी हुई है ना, उसमें वो ये पट्टी नहीं लगी हुई, वो चमक पट्टी होती है वो लगी हुई है, वो मिरर नहीं होता। तो वो फर्नीचर इजीली हमें ना 1,20,000 या 1,65,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,65,000-1,70,000 का मिल जाता है। तो लोग ना उसी पे, इस पे मुझे अक्सर कहते हैं, मैंने अपना सेट का रेट बताया, पूछते तो रेट बताया, उसके बाद कहते हैं कि नहीं आपको बहुत महंगा मिला है। तो भाई चीज़ चीज़ की बात होती है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो।
उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रूम कैसा लगा और रूम में कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो भी बताइएगा। तो अब लेंगे हम आपसे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।